तो आज हम बात करेंगे कि प्लांटिंग के बारे में, ठीक है। प्लांटिंग के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कि प्लांट को कौन सा मिट्टी दिया जाता है, कैसे कौन सा मिट्टी दिया जाता है। तो हम अपना प्लांट लगाए हुए थे यहाँ पे, आप देख रहे हैं, थोड़ी सी छोटी सी गार्डनिंग है हमारे। कुछ प्लांट है जिसमें मनी प्लांट है, एंड क्या एक स्नैक प्लांट है, और क्या और सारे बहुत वैरायटी के प्लांट हैं। जो हमारे ये चीकू का प्लांट भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें फूल भी आया हुआ है आप देख सकते हैं, एंड ढेर सारा प्लांट है। तो हम प्लांट के न्यूट्रिशंस के लिए हम मंगाए थे यहाँ कोकोपीट मंगाए थे, जो कि हम ऑनलाइन मंगाए थे जियो मार्ट से कोकोपीट। तो आज हम इसमें कोकोपीट डालेंगे, एंड आप इसके न्यूट्रिशंस के लिए आप डाल सकते हैं ये अंडे की खल्ली भी डाल सकते हैं, ठीक है। अंडे की खल्ली ऐसे ही नहीं डालना है, इसको अच्छे से क्या करना है, चूरना है, उसके बाद इसको चूर के डालना है, अंडे की खल्ली डालना है इसमें। तो चलिए आज हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। पहले हम चूर लेते हैं अंडे की खल्ली को, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको ऐसे करके पूरे एकदम पीस के, और थोड़े थोड़े से इसमें क्या किया जाता है, दिया जाता है, सही प्लांट में दिया जाता है। आप हमारे ये अब आपको अगर क्या करना है, नेक्स्ट प्लांटिंग करना है, जैसे कि इस प्लांट से दूसरा प्लांट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कट करके जहाँ से वो क्या हो इसका जड़ टाइप दिखाई दे, उस वहाँ से कट करके आप इसको लगा सकते हैं, जैसा कि हमने लगाया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर आ चुका है, देख सकते हैं आप, जैसा कि, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको फैलाना चाहते हैं और भी जगह लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे करके ग्रो कर सकते हैं, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से पीसते हैं, उसके बाद जब इसको पीस लेंगे, आप आपके पास जितने अंडे हो वो उबला हुआ अंडा का ये खल्ली आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो अंडे थे, तो हम दो अंडे की खल्ली इसमें डालते हैं, ठीक है। इसको हम पीस देते हैं, ऐसा करके आप पीस के, और इसमें क्या कर सकते हैं, आराम से अच्छे से इसको पीस दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोकोपीट डालेंगे, ठीक है। चलिए तो हम रहने देते हैं यहीं से ऐसे ही इतना ही, और इसके बाद हम इसमें अपने प्लांट में डालते हैं, ठीक है। चलिए अब प्लांट में ऐसे करके लेके उसके बाद ऐसे आप डाल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ा सा भूरभूरा टाइप होता है, जो प्लांट को ग्रो करने में काफ़ी फायदेमंद बनती है। तो ऐसे करके हम डाल दिए प्लांट में, पूरा ये डाल दिए हैं, और आप ऐसे करके डाला कीजिएगा प्लांट समय, एंड रोज नहीं डालना है, वीक में वन टाइम डाल दिया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम खोलते हैं इस कोकोपीट को, आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्नेक प्लांट है, और कितना अच्छा ग्रो किया हुआ है। एक और अनदर प्लांट है जिस देख सकते हैं, इसमें इसकी पत्ती काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, पहले इसकी पत्ती छोटी थी, और जब से मैं इसमें अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको धूप से छाँव में रख दिया हूँ, और दो टाइम इसको पानी देता हूँ, तो इसके पत्ती देखिए कितने अच्छे अच्छे उग गए हैं। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं, इसको देखते हैं कैसा आया है। इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसमें दो ब्रिक हैं, दो ब्रिक हैं यहाँ से हम आप देख सकते हैं, ये कुछ हो गए हैं पेपर, जो कि कोई ज़रूरी का काम नहीं है, इसमें दो ब्रिक्स हैं। चलिए हम इसको ओपन करते हैं, एक ब्रिक्स हम अभी यूज करेंगे, एंड अनदर नेक्स्ट टाइम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जब ज़रूरी होगी तब देंगे, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कोकोपीट। चलिए एक को हम रख देते हैं, एक को इसमें यूज करते हैं,
इसमें हम क्या डालेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालेंगे एंड उसके बाद ये देखिए पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फूलने लगे, ठीक है, ये फूलने लगता है, पानी डालेंगे फूलने लगता है। इसी तरह पानी डालेंगे फिर इसको क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। बोलते हैं ये सब कुछ जो कोकोपीट में उगाया जाता है वो अच्छे से उगते हैं। देख सकते हैं आप, अभी भर के लिए हम इतना ही यूज करते हैं और हम यूज करेंगे बाद में यूज करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी आप प्लांट में डाल सकते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया तैयार और इसमें हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे हम इसमें, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम इसमें से इसको निकालेंगे, इसको लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए हमको चाहिए एक पॉट, तो हम वो पॉट को फाइंड करते हैं। मनी प्लांट लगा दिए हैं एंड उसके बाद हम कुछ कोकोपीट एंड मिट्टी को मिक्स करके हम अपने प्लांट्स में रिपोर्टिंग किए हैं एंड उसके बाद अब यहीं पे हमारी वो प्लांटिंग ख़त्म होती है, आज के लिए यहीं पे ख़त्म होती है। आप भी ऐसे तरह तरह के प्लांट लगा सकते हैं और इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं एंड आप अपने आसपास की हवाओं को शुद्ध कर सकते हैं इस प्लांटिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।